में, और मैं चाहूँगा कि सांस्कृतिक के विषय में कुछ अपने भाई चंदन जी बताएंगे। पर उन करुणा निधि पर जिस पर करुणा आती है, यह राम से एक काल्पनिक घटना है। राम हमारे महापुरुष हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमें गर्व है कि हम राम और कृष्ण की वंशज हैं। तो आज यह रामेश्वरम की धनुष्कोटि पर हम सब खड़े हैं। यहाँ विशाल समुद्र को आप देख सकते हैं, यहीं से वह यात्रा श्री राम ने शुरू की थी। यात्रा यही से श्री भगवान ने चालू किया था, और बहुत ही यहाँ का मनोहर दृश्य है, और समुद्र की बहुत उफाने आ रही हैं, काफ़ी लहरें का उठाव है, और चारों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ जगह है। यहाँ आने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो भी कभी कभी बंद हो जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरें यदि एक लहर भी अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और बहुत लोग कहते हैं कि रामेश्वर एक कल्पना है, ये राम सेतु को, तो राम सेतु को यहीं से जो नासा ने देखा था सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो इसके आगे से प्रारंभ होता है, जो पानी में डूबा हुआ है मान्यता है। और बहुत से लोग कहते हैं यहाँ से श्रीलंका की दूरी भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि यदि जो राम सेतु था उसी रूप से भगवान श्री रामचंद्र भगवान वहाँ गए थे जानकी को लेने के लिए। रावण जब सीता माता का हरण करके ले गया था, तो यहीं से राम सेतु पुल भी बनाया गया था, बांदरों ने बनाया था। और ये पुल में उस समय हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीक कितनी अच्छी थी, जो कि इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें 100 मीटर भी पुल नहीं बनाया जा सकता, तो लगभग सैकड़ों किलोमीटर का पुल कैसे निर्माण हुआ, ये भी एक इतिहास के रहस्य में छुपा हुआ है। कहीं कोई महापुरुष आकर, कोई वैज्ञानिक आकर इसे जो एक ये छुपा हुआ विकल्प है, जो छुपा हुआ रहस्य है इतिहास का, उसे कहीं में कहीं तो उजागर करेगा ही। कहीं राम सेतु जरूर आके दर्शन करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर।